दोस्तों सभी लोग बोल रहे थे कि आईपीएल 2024 के प्लेऑफ से मुंबई इंडियंस की टीम पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है, मगर दोस्तों इस आखिरी समीकरण से अभी भी मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के प्लेऑफ में एंट्री कर सकती है। आखिरकार गाइस आप भी चाहते हैं मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल 2024 के प्लेऑफ में एंट्री करे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जैसा कि आप सभी को बताया है, बीते कल आईपीएल 2024 का 60वां मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच में खेला गया, जिसमें बारिश के कारण इस मुकाबले को 16 ओवर का किया गया, जिसके दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 16 ओवर में 157 रन स्कोर पर लगाए 7 विकेट खोने के बाद, जिसमें सबसे ज्यादा वेंकटेश अय्यर ने 42 रन का योगदान दिया और नीतीश राणा ने 33 रन का योगदान दिया। मगर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस की टीम जब मैदान पर आई तो मुंबई इंडियंस की टीम ने इस लक्ष्य का पीछा नहीं कर पाई और 16 ओवर में मात्र 149 रन स्कोर पर लगा पाई, जिसमें सबसे ज्यादा ईशान किशन ने 40 रन का योगदान दिया और कोई भी बल्लेबाज ज्यादा कमाल नहीं कर पाया और इस मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने 18 रन से जीता। मगर दोस्तों इस समय आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में मुंबई इंडियंस की टीम 9वें नंबर पर है। मगर दोस्तों दूसरी तरफ है, ट्विटर पर एक ट्वीट बहुत जोर से वायरल हो रहा है कि मुंबई इंडियंस की टीम अभी भी आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंच सकती है। दोस्तों हकीकत तो यह है कि भाई मुंबई इंडियंस की टीम पूरी तरीके से आईपीएल से बाहर हो चुकी है और ऐसा कोई भी समीकरण नहीं है जिससे कि मुंबई इंडियंस की टीम आईपीएल के प्लेऑफ में एंट्री कर पाए।